गुड मॉर्निंग टू ऑल। जो धारा चैप्टर चल रहा है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सिमेट्रिकल सर्किट, सममित पथ, सममित परिपथ के अंदर सबसे पहला जो एग्जांपल लेने वाले हैं हम लोग लेने वाले हैं व्हीट स्टोन ब्रिज का। व्हीट स्टोन सेतु एग्जांपल लेने वाले हैं। व्हीट स्टोन सेतु के अंदर हमारे पास परिपथ किस प्रकार का होगा, ऐसे पांच परिपथ जुड़े होंगे पी क्यू आर एस और एक बीच में जी नाम दे देते हैं, इंटरनल्स के नाम है ए बी सी डी। ए और सी के बीच में बैटरी जोड़ेंगे। ये आपके पास पांच प्रतिरोध हैं जो इस प्रकार जुड़े हुए हैं। इनको जोड़ने की कई विधियां हो सकती है, किसी भी तरीके से आपको दिख सकते हैं, इनको ऐसे भी दिखाया जा सकता है, आपको पहचानना पड़ेगा। ये भी पांच प्रतिरोध हो गए पी क्यू आर एस जी। ये वाला सर्किट और ये वाला सर्किट सेम है, बस तारों को अलग तरीके से दिखाया हुआ है। पी के एंड पे बी है और इस तरफ जी से इस तरफ और आर के एंड जहां मिल रहे हैं वो डी पॉइंट है। ए और सी के बीच आप बैटरी कनेक्ट करने वाले हैं तो आपको पता लग गया ये परिपथ और ये परिपथ एक जैसा ही है। या फिर ये डायग्राम और देख लीजिए, ये पांच प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। चेक कीजिए, इसका नाम दे रहे हैं ए, इसका नाम बी, ये सी और डी, इसका नाम पी क्यू आर एस और जी। ये वाला सर्किट, ये वाला सर्किट, ये वाला सर्किट एक ही बात है। इसको पकड़ लो, थापी में खोल दोगे तो जी सेम ऐसे मिल जाएगी। हाँ नाम जॉब दीजिए क्या तुम सबको दिखाई दे रहे हैं, या फिर एक भी दीजिए उसको दिखा देगी, ऐसे स्टार सा बना देगा, वही चीज है। चेक कर लीजिए आगे जाके आपको क्रैक भी करनी है चीज। ये वही है पी क्यू आर एस और बी वाला जी, ये ए सी टर्मिनल और ये बी बी टर्मिनल। क्या आप सबको बात समझ में आ गई, ये व्हीटस्टोन सेतु है। व्हीटस्टोन सेतु या व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है उसके अंदर खास बात याद रखनी है कि अगर वी बी इक्वल टू वी डी हो गया, अगर बी और डी की पोटेंशियल सेम होगी तो इस ब्रांच का करंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आई जी जीरो, अगर आई जी जीरो हो गया इसका मतलब, आई जी जीरो का मतलब जो धारा इस तरफ से आ रही है वो सारी की सारी इसमें चली जाएगी और जो धारा इधर से आ रही है वो सारी की इसमें चली जाएगी, क्योंकि इस ब्रांच में धारा नहीं आ रही। कब धारा नहीं आएगी, जब यहाँ पे रूपांतर नहीं होगा धारा जाएगी नहीं। तो पी और जो श्रेणी क्रम में चलेंगे, आप उस श्रेणी क्रम में चलेंगे और आपस में कैसे चलेंगे, समांतर क्रम में चलेंगे। तो हमें दिखाई दे रहा है VB by VB equal to VD होगा तो एक essential condition हो जाएगी, then P by Q equal to R by S और प्रभावी प्रतिरोध जो होगा वो PQ का श्रेणी क्रम R S का श्रेणी क्रम आपस में समांतर क्रम से दिया जा सकता है। या एक तरीका और है वो भी दिया जा सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर VB by VD, VB और VD बराबर हुए तो IG जीरो होगा और P by Q equal to R by S। हम इस बात को प्रूफ करेंगे अभी कि P by Q equal to R by S होगा, लेकिन VB equal to VD हुआ तो P by Q equal to R by S। और इसे vice versa में याद रखें, vice versa याद रखने का मतलब ये हुआ कि अगर P by Q R by S बराबर हुआ तब VB equal to VD भी होगा, यानी आप फ्यूचर में तो उस स्थिति में नहीं गिनेंगे। क्या आप सब बच्चों को ये बात समझ में आ गई है? इस बात का प्रूफ ले लेते हैं हम लोग, तो इसको इरेज कर देते हैं। इसका प्रूफ ले लेते हैं हम लोग कि कैसे P by Q equal to R by S आ जाएगा अगर VB equal to VD हो गया तो। VA minus VB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I1P, और VA minus VD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I2R। V और D समान विभव पर भूल मत जाना, इस समान विभव को V दिखा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये भी मात्र आप सबको दिखाई दे रहे हो जो लोग से दिख रहे हैं। इसी प्रकार से V और V, VB और VD का नाम हम लोग V रख लेते हैं, तो इसको VA minus V equal to I1P लिख सकते हैं।
इधर से v a माइनस v इक्वल टू i टू r भी लिख सकते हैं, है ना। मुझे आप दे दीजिएगा बच्चों, सबको बात समझ में आ रही है? जैसे सर बोला था, हां जी क्योंकि v भी इक्वल टू v तो बोल ही चुके हैं, दोनों को भी ले लीजिए। अगर ऐसे नहीं करता आपने को तो अपने पास एक तरीका और भी, बच्चों को दिक्कत नहीं बात नहीं, उसके अंदर प्रॉपर किरचॉफ लॉ से लिख लीजिए। मान लीजिए कि अभी i से जीरो नहीं है, बात भी प्रूव की तरह लिख रहा था, i1 भी इक्वल टू i2 आ रहा प्रूव कर रहे थे, अभी भी वही प्रूव होगा। ij करंट मान लीजिए, अगर इसमें ij करंट मानेंगे तो इसमें कितना करंट जाएगा, i1 माइनस ij, इधर i2 आ रहा पॉजिटिव करंट जाएगा, i2 प्लस ij, एंड अब जॉब दीजिए डैश पर, क्लियर है। इधर केवीएल लगा दीजिए फर्स्ट ग्रुप के अंदर, i1 p का ड्रॉप है, फिर ij g का ड्रॉप है, और फिर i2 r का राइज है, बराबर जीरो। क्या तुम्हें फर्स्ट ग्रुप में केवीएल समझ में आ गया? यस यस। ऐसे सेकंड ग्रुप में भी केवीएल लगा रहे हैं, इसको थोड़ा अभी और अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि ij को जीरो बोलना ही है, लेकिन वापस लिखेंगे क्वेश्चन, कोई बात नहीं। पहले लूप 2 में केवीएल लगा लेते हैं, लूप 2 में i1 minus ij into q का ड्रॉप है, ये दो राइज है, i2 plus ij into s का राइज है, plus ij g का राइज है, बराबर जीरो। जो भी वो घटा बड़ा दोनों में जो लिख दिया, ये समीकरण नंबर दो आ गई। इन दोनों को दोबारा से लिखते हैं, ij equal to zero लिखते हैं, क्योंकि vb equal to क्या हो गया, vd, तो ij must be zero। ij को जीरो लिखा तो फर्स्ट इक्वेशन से क्या आएगा, इसको जीरो कर रहे हैं तो i1 भी इक्वल टू i2 आ रहा है ना, मुझे आप दीजिए। यस सर, वही हो गया, यहां तो मंत्र बन, यहां पे मंत्र, पहले भी एक बोलने से पहले तो जो स्टार्टिंग से i जोड़ के चल रहे थे, सेकंड क्या इंप्लाइज करेंगे, सेकंड इक्वेशन ij तो जीरो हो गया, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, एक i1 क्यों नेगेटिव बचेगा, एक i2 बचेगा, i1 को उधर ले जाते हैं, लिख पल लेते हैं बराबर i2। क्या आप सबको समीकरण नंबर 3 और 4 समझ में आ गई है? 3 और 4 को भाग दे दीजिए, जैसे भाग देंगे i1p / i1q बराबर i2r / i2s implies p / q equal to r / s। क्या आप सबको प्रूफ समझ में आ गया, कैसे प्रूफ हो गया कि p / q equal to r / s होगा, कब, जब v equal to vd होगी, हां ना। मुझे आप दे दीजिए, आपको सब कुछ की बात समझ में आ गया क्या, ये पहला सममित परिपथ है, सममित परिपथ कब कहलाता है, ये वाला जब v बराबर vd हो जाए तभी ये सममित है, अगर p by q r by s के बराबर नहीं हुआ तो ये सममित परिपथ नहीं कहलाएगा, फिर पूरा किरचॉफ से अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। क्या तुम्हें ये बात समझ में आ गई बच्चों? इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, कुछ बातें व्हीटसन ब्रिज के बारे में और बताता हूं, उसको चेक कीजिएगा जी, व्हीटसन ब्रिज के बारे में कुछ बातें और कर रहे हैं, उसको चेक कीजिएगा। इस केस में प्रभावी प्रतिरोध कितना आएगा ये चेक कर लेते हैं। जब इसमें धारा जा ही नहीं रही है तो हम कहेंगे कि ये दोनों श्रेणी क्रम में आ गए जी, ये दोनों श्रेणी क्रम में आ गए और इनका समांतर क्रम पढ़ना है, आना जो आप लिख दीजिए सर। क्या तुम सबको बात समझ में आ गई कि पीछे धारा जा नहीं रही है, क्योंकि ना नहीं है, एक एग्जांपल से सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए 20 ओम है, ये 10 ओम है, और मान लीजिए 10 ओम है और ये 5 ओम है, क्लियर है बेटा। इसका प्रभावी निकालना हो तो मालूम है कि हमें 30 और 15 का प्रभावी निकालना, तो 30 × 15, ये 30 तो पूरा ही हो गया और 15 ये हो गया, 30 और 15 का समांतर क्रम ये वाला बन जाएगा, तो 15 × 45, 10 ओम इसका प्रभावी प्रतिरोध आ रहा है इस पूरे परिपथ का। क्या तुम सबको ये बात समझ में आ गई है कि इन दोनों का श्रेणीक्रम, इन दोनों का श्रेणीक्रम आपस में समांतर क्रम, हां ना जो आप देख रहे हो, क्लियर। दोबारा सुनिए, जब VP और VD दोनों किस क्रम में आ चुके हैं, बराबर विभव पे आ चुके हैं, तो आप इनको जोड़ भी सकते हैं। अगर इनको जोड़ देंगे तो आपके पास प्रभावी परिपथ क्या बन जाएगा, इसको दोबारा से देखिएगा। अगर P और Q का श्रेणी की बजाय P और R का समांतर बोल दें, इधर से Q और S का समांतर बोल दें, समांतर क्यों बोल दिया, क्योंकि B और D समान विभव पर, तो समान विभव इनको इकट्ठा कर दिया हमने, ये था हमारे पास 10 ओम, ये 5 ओम, ये वाला हमारे पास था 20 ओम और ये हमारे पास 10 ओम। अब 20 और 10 का समांतर, 10 और 5 का समांतर क्रम दोनों को जोड़ना है, इन दोनों का समांतर क्रम लिख रहा हूं r1 r2 बटा में r1 plus r2, r1 r2 बटा में r1 plus r2 प्लस इसका r1 r2 बटा में r1 plus r2,
चेक करते जाना, इसको भी 30 कर देते हैं, इनटू दो क्या तो नीचे इनटू दो क्या 30 हो तो आ गया इसका, तो ऊपर किसका जोड़ बन गया, इधर तो 200 पड़ा ही पड़ा है, इधर 50 इनटू 200 बन गया, 300 बटा 30 10 ओम फिर आंसर आ गया। यानी आप इसको सॉल्व करने के लिए इसका श्रेणी पूरा समांतर बोल सकते हो, या PR का समांतर, QS का समांतर प्रिंट का श्रेणी ये भी बोल सकते हो। क्या तुम्हें बात समझ में आ गई है बच्चों? एक ही बात है, जवाब दे दीजिए, फिर से अच्छे से समझ लीजिए जो बोलने जा रहा हूँ। सर ये बी ए इंद्रवाणी से बी ए आएगा क्या? इस विभव का नाम बी ए बोल रहे बेटा, और बी और डी समान विभव पर आ गए, तो इस तार में 35 तार में 35 पत्रों को धरनी चाहिए, इसको या तो हटा दो या दोनों को इकट्ठा कर दो, एक ही बात है। हटा दिया तो दोनों का श्रेणी फिर स्वतंत्र बन गए, वो समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, इन दोनों तार को इकट्ठा कर दे, इसको हटा के इन दोनों को जोड़ दे, क्यों जोड़ दे, क्योंकि बी और डी समान विभव पर है, जोड़ देने का मतलब शॉर्ट वायर होगी, तो इन दोनों को शॉर्ट वायर से सब जोड़ दिया अपन, तो इन दोनों कौन सा क्रम बन गया, इनका श्रेणी समांतर बन गया, ये दोनों समांतर में आ गए ना, चित्र में बनता रहेगा, तो इसका समांतर लेकिन आपस में कैसे ये श्रेणी क्रम है। आया जो दीजिए क्या पूरी बात से तुम्हें समझ में आ गई है बच्चों? क्लियर है? कुछ बातें फिर से पिछले बारे में और डिस्कस करनी है, उस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिए पूरा बिट्स को ले लेते पहले इसके अंदर, ताकि क्लैरिटी आ जाए, बहुत ध्यान से सीखिएगा, इंपॉर्टेंट नोट है ये वाला, ये आपके पास क्वेश्चन आ सकता है स्टेटमेंट वाइज ऑप्शन में, यदि संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज में, यदि संतुलित व्हीटस्टोन सेतु में बैटरी व जी की स्थिति बदल दे तो क्या होगा, चेक करते हैं क्या होगा। पहले अपन पुराना डायग्राम बना लेते हैं, स्टार्टिंग का डायग्राम हमारे पास ये वाला ठीक है, और VB इक्वल टू VD संतुलित लिखा हुआ है, इसका नाम A, इसका नाम C है, यहां आपके पास G वाला प्रतिरोध है, इसका नाम P, इसका नाम Q है, इसका नाम R, इसका नाम S है, यानी P by Q equal to R by S हो गया, VB और VD बराबर बराबर हो चुके हैं। क्या आप सबको ये बातचीत समझ में आ गई? क्या फर्स्ट चीज तो ये बन चुकी है, सेकंड केस में क्या करना उस स्टेटमेंट के हिसाब से, बैटरी यहां पे आ जानी चाहिए और प्रतिरोध यहां पे आ जाना चाहिए। हां ना, जो अभी से लिखा हुआ है बैटरी व जी की स्थिति को बदल दिया है, तो इस डायग्राम को चेंज करते ध्यान दीजिएगा, पी क्यू आर एस के नाम तो बदलेंगे नहीं, बिल्कुल ये तो लिखा है बैटरी व जी की स्थिति बदल है, बैटरी किसके बीच में है, एसी के बीच में, जी बीडी के बीच में है, तो इसके नाम ए बी सी डी लिखे हुए भी हमारे पास। अब क्या करना है, आप कह रहे हो सर बैटरी तो जोड़ दो यहाँ पे और जी जोड़ दो यहाँ पे, हाँ ना जोड़ दो, क्या तुम्हें बात समझ में आ गई है? क्या क्लियर है? सबको बात समझ में आ गई? अब आपके पास हो गया क्या सिस्टम, आपको कि सर पी ये और क्यू ये, आर ये और एस ये, तो अपन एक बार इसकी ब्रिज की स्थिति लिखते हैं, P by R और Q by S का मान चेक कर लेते हैं, किसका मान चेक कर लेते हैं, P by R और Q by S का मान चेक कर रहे हैं, आई एम जॉब दो, लेकिन यहां से मैं देखूं तो P by Q equal to R by S है, तो P by R equal to Q by S अभी भी रहेगा, अगर ये चीज मैथमेटिकली प्रूफ थी तो ये चीज तो प्रूफ होगी, अगर ये सही है ये भी सही है, यानी इस स्थिति में भी व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित अवस्था में आ गया, यानी संतुलित ब्रिज में अंदर गैल्वेनोमीटर की है जी की और बैटरी की स्थिति को आपस में परिवर्तित कर दिया जाता है, तो अभी भी व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलन की अवस्था में ही रहेगा, वो अपनी स्थिति से बिगड़ेगा नहीं। क्या बच्चों को पूरी बात समझ में आ गई है? ए और सी के स्थिरों को पहले से नहीं, जी बीच में नहीं, फिर तो और बात अलग होगी, फिर तो क्वेश्चन नहीं बन गया, फिर वो व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, चेक कर जो तूने बोला वो उसको करते हैं, तूने कहा कि ए पांच प्रतिरोध आ गया सर, इसका नाम अभी भी आप एसी ही रखो और बैटरी भी आप यही जोड़ो सर, तो अब तो क्वेश्चन ही अलग हो गया, इसका समांतर साफ दिख रहा है, इसका समांतर साफ दिख रहा है, तेरे को पैदल ये व्हीटस्टोन की स्थिति नहीं है, तो तू जोड़ रहे लेकिन ये व्हीटस्टोन ब्रिज बचा ही नहीं, व्हीटस्टोन ब्रिज तो यही रहेगा पांच प्रतिरोधों का ये वाला सर, आना में जवाब दे दीजिएगा, तुम सबको समझ में आ गई बात क्या, इन लोगों को
क्वेश्चन का जवाब हो गया कि जी भी मेरे बैटरी भी मेरे, तो मेरे पास सिंपल सा फिर तो सुपर श्रेणी का कॉम्बिनेशन है बेटा। क्या ये ब्रिज हमने संतुलन की अवस्था में बोल दिया? इसके कोई मान बोल रहे कि ये 10-5 है, ये 20-10 है, तो इधर का गुणनफल इधर के गुणनफल के बराबर आ रहा है, ये भी स्वतंत्र और ये भी स्वतंत्र है, यानी p by q equal to r by s। अब तूने इसको चेंज किया तो चेक कर, इसका नाम अभी भी 10-5, इसका नाम 20 और 10 अभी भी रहेगा, तो p by q equal to r by s अभी भी वैलिड है। अरे अब p नाम इसके तो क्या आएगा भाई? यूं आ रही है तो क्यों नाम इसका कहलाएगा? पी के बाद तो क्यों आएगा? आर ये कहलाएगा और एस ये कहलाएगा, तो ये बटा ये बराबर ये बटा ये होगा तभी संतुलन की अवस्था आएगी, वो अभी भी सेटिस्फाई हो रहा है। और ये बात यहां से मैंने बिना नंबरों के बोली थी कि अगर पी बाय क्यू इक्वल टू आर बाय एस है तो पी बाय आर भी तो क्यू बाय एस के बराबर हो गया। इसको अगर ये ट्रू है बेटा इसको नीचे इसको कर ले जा और इसके लिए ये सिद्ध कर लीजिए और ये बराबर है, यानी संतुलन की स्थिति है ये वाली। समझ में आ गया तुम सबको व्हीटस्टोन सेतु के बारे में? ये पूरा हुआ हमारा पहला सिमेट्रिक सर्किट व्हीटस्टोन सेतु। क्या तुम सबको यहां तक क्लियर हो गया कुछ? इस वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए सिमेट्रिकल सर्किट्स की बात करेंगे।